की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे तीन शेयर्स जिन तीन शेयर्स को आप मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो और मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जैसा कि गाइज मैंने लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था, ग्रीन पैनल, IEX एंड BCG लिमिटेड सभी शेयर्स ने पर्टिकुलर वीक में 10-15% रिटर्न हमें दिया। तो इसी तरीके के कुछ शेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिन शेयर्स को आप मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के नंबर वन शेयर की, विच इज़ माई फेवरेट वन टू, दैट इज टाटा DVR। इस पर्टिकुलर शेयर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, आप इस मोमेंटम का फायदा उठा के मंडे ट्रेडिंग सेशन में इस पर्टिकुलर शेयर से स्विंग ट्रेडिंग में यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एग्जैक्ट एंट्री की। अगर ये शेयर मंडे ट्रेडिंग सेशन में 216 के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत बाय कर लेना है। बात करें स्टॉप लॉस की, 213 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 233 का टारगेट लेके चलना है। बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, आपको ये डील 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मिलने वाली है, विच इज़ अमेजिंग डील। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से इस पर्टिकुलर शेयर में हायर राइज की सीरीज कंटिन्यू है विद वॉल्यूम। तो जब भी मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो बढ़ता रहता है विद वॉल्यूम, तो ये सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट करता है। बात करें MACD की, तो MACD ने रिसेंट में नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और MACD की जो लाइन है वो वाइडर होती जा रही है। इट्स मीन कि MACD भी हमें बता रही है इस पर्टिकुलर शेयर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनने वाला है पर्टिकुलर वीक में। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करते हुए आप इस पर्टिकुलर शेयर को मंडे ट्रेडिंग सेशन में जरूर से बाय करके चल सकते हो। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के सेकेंड शेयर की, दैट इज कैनफाइन होम। अगर ये शेयर मंडे ट्रेडिंग सेशन में 556 के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत बाय कर लेना है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो 550 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 600 का टारगेट लेके चलना है। बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो ये ट्रेड आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मिलने वाली है। अगेन ये भी अमेजिंग डील है, इस पर्टिकुलर डील को जरूर से ग्रैब कीजिएगा मंडे ट्रेडिंग सेशन में। बात करें MACD की, तो MACD ने रिसेंट में नेगेटिव टेरिटरी में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है और MACD की जो लाइन है अगेन वाइडर होती जा रही है। तो MACD भी यहाँ भी सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट कर रही है। चलिए बात करते हैं इस लिस्ट के लास्ट शेयर की, विच इज़ नॉट लिस्ट, दैट इज़ फाइन केबल। इस पर्टिकुलर शेयर को भी आप मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो। अगर ये शेयर मंडे ट्रेडिंग सेशन में 862 के ऊपर सस्टेन करता है तो तुरंत बाय कर लेना है। बात करें स्टॉप लॉस की, तो 826 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 932 का टारगेट लेके चलना है। बात करें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो ये डील भी आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मिलने वाली है। बात करें MACD की, तो MACD रिसेंट में पॉजिटिव टेरिटरी में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रही है। जी हाँ, पॉजिटिव टेरिटरी में पॉजिटिव क्रॉसओवर दे रही है, जो कि यहाँ पर डुअल कंफर्मेशन अपने को मिल रही है। तो MACD भी हमें बता रही है कि इस पर्टिकुलर शेयर में बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर शेयर को भी मंडे ट्रेडिंग सेशन में आप ट्रैक कर सकते हो। अगर ये पर्टिकुलर शेयर 862 के ऊपर सस्टेन करे तो तुरंत बाय कर लेना है, पर्टिकुलर वीक में आपको मार्केट से अच्छा गेन मिलने वाला है। तो गाइज ये तीन शेयर्स थे जिन तीन शेयर्स को आप मंडे ट्रेडिंग सेशन में स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाय करके चल सकते हो। लेकिन बाय करने से पहले जो रिकमेंडेड प्राइस है उसी प्राइस के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तभी आपको बाय करना है, अदरवाइज बाय नहीं करना है। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो डू लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।